ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद नेताम ने राहुल गांधी पे हुई कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत किया है और कहा राहुल की संसद में जल्द बहाल होनी चाहिए। देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पे उसको जिस अपराध को अपराध मान के इतनी बड़ी सजा दिया गया था वो भी गलत था। छोटा अपराध में अधिकतम सजा, ये न्याय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। और ऐसा हमारा मानना है कि वो ये केस एक प्रकार के उतना गंभीर होता नहीं, उसको तो मेरे हिसाब से वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए। होता रहता है, उसमें क्या है, सिविल केस है तो कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं। तो एक फैसला ठीक है, हम उसके स्वागत भी करते हैं, क्योंकि जो एक मापदंड है उसने कहा ना कि सुप्रीम कहा कि अधिकतम सजा क्यों हुई, कारण भी बताना चाहिए था कोर्ट को। यानी छोटी सी यानी इसमें होता है इसमें कि भाई अधिकतम और न्यूनतम सजा की बात होती है, पर क्रिमिनल केस नहीं है और तुम न्यूनतम अधिकतम सजा दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं लग रही। नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं जिस तत्परता के साथ उसके ने बहुत सी चीजें वंचित कर देगा उसी तत्परता से उसको बहाल कर देना चाहिए, हमारा ये कहना है। अरे तत्परता दिखाए तो जिस प्रकार से, तो यहाँ भी तत्पर दिखानी चाहिए सरकार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।